किन्नर हो के भी, जिसका कोई परिवार नहीं है, न बेटा न बेटी न कोई मतलब नहीं, फिर भी हम समाज के लिए मर रहे हैं, हमसे प्रेरणा लेना चाहिए लोगों को। उनका साफ कहना है मकान टूटेंगे 56 मकान। जो मेरी लड़ाई है वह संवैधानिक मौलिक अधिकार की लड़ाई है। मैं इस्तीफा दूंगी तो अब इस्तीफा स्वीकार करना ना करना ये तो चीफ मिनिस्टर राज महामहिम जी के ऊपर है, क्योंकि मेरे पास जो पेन है उसमें स्याही इतनी नहीं है जितनी मैं अच्छे से चला सकती हूँ। स्याही का एक मात्रा है, वो पूरी स्याही में चलाने की पुरजोर कोशिश की हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बने। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी के ज़िला बरेली में सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती के साथ। सोनम चिश्ती जिस अंदाज में 2 दिन से बरेली में हैं, उन्होंने पहले दिन ये नाराज़गी जताई थी कि मीटिंग में DM और SSP देर से पहुँचे थे, बात वहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन जिस अंदाज उन्होंने DM कक्ष के सामने धरना दिया है उसे लेकर वो बरेली ही नहीं बल्कि पूरे सूबे में और देश भर में चर्चाओं में हैं। जिस अंदाज में उन्होंने अधिकारियों से बात की है वो अंदाज ये बताने के लिए काफ़ी है कि महज वो किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष नहीं है बल्कि एक मंझी हुई राजनेता दिखाई दे रही हैं। यही तमाम सवाल लेकर हम आपके पास आए हैं और इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम सीधे उनसे रूबरू होते हैं। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत आपके चैनल को मेरी शुभकामना देती हूँ और मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे इस योग समझे मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप आए हैं, मैं समस्त किन्नर समाज की तरफ से हृदय से पुनः फिर से आभार। सवालों पर आने से पहले आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं। जिस तरह से आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है इस बोर्ड का, उससे पहले की अगर हम बात करें तो आप राजनीति में सक्रिय थीं या आपको इसी तरह से कहीं से खोज कर लाया गया? मैं सबसे पहले सन 2000 में, मैं 19 साल की उम्र में अजमेर नगर निगम में मैं नॉमिनेट पार्षद हुई थी। वहाँ की राजस्थान सरकार ने मेरी NGO की तरफ से, मैं सोशल वर्कर काम करती थी और उस काम करने के मेरे NGO पे कन्या भ्रूण हत्याओं पे, आपके क्या नाम है, पर्यावरण पे, पेयजल पे मैं काम कर रही थी। हमारी अखिल भारतीय जन कल्याण संस्था की मैं अध्यक्ष थी और हमारी संस्था में रिटायर्ड IAS भी थे 2, उनके मार्गदर्शन में मैंने काम की। काम करने के उपलक्ष्य में हमें गवर्नमेंट ने वहाँ से नॉमिनेट काउंसलर नॉमिनेट किए। फिर उसके बाद जो है मैं 2010 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पार्टी के साथ मैं जुड़ के उनके साथ में काम की हूँ। उन्होंने अपने साथ मुझे प्रदेश सचिव बनाए थे संगठन में और मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी थी मैं, मेन बॉडी की प्रदेश अध्यक्ष थी। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या नाम है मुझे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महिला सभा की नियुक्त करते हुए मैं काम की हूँ। और मैंने अपने उस पार्टी में रह के भी हमारी किन्नर समाज की हेड थी सुश्री गुलशन बिंदु किन्नर जी, जिनको मैंने अयोध्या जैसे सीट महत्वपूर्ण सीट से नगर निगम का माननीय अखिलेश यादव जी ने सिंबल भी दिए थे उनको समाजवादी पार्टी से। और उसी दरमियान एक क्योंकि मंडल से एक किन्नर टिकट पा गए थे तो मेरी भी इच्छा थी मैं भी नगर पालिका चुनाव लड़ूं और 22 में मैं विधायकी की तैयारी करूं। परंतु वहां के कुछ पॉलिटिशियन जिनको पकड़, जिनकी एक क्षत्रिय राज होने कारण से हमारे माननीय उस समय के हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मुझे सिंबल नहीं दिए, जिससे मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी और लगभग मैं वहाँ 10,000 वोट पाई हूँ। सेकेंड में रनर थी, अपने दम पे मैंने इतनी वोट पाई। इतिहास में पहली बार सुल्तानपुर जनपद में कोई इतना वोट पाया है। तो और फिर उसके बाद उनके साथ में लगी रहने के बाद जो है उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मेरी इच्छा थी मैं उनसे मिलूं, उनकी कार्य प्रणाली और जैसे पब्लिक और जैसे उनकी नीति जो जैसे उनके विचार को सुनते हुए मैं प्रभावित हुई और मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी से माननीय अमित शाह जी से बहुत प्रभावित थी और उनकी देश के प्रति जो उनकी भावना थी उस भावना को देखते हुए, क्योंकि बुरहान में भी अभी
एक हमारे मुस्लिम भाई के कार्यक्रम में स्वयं माननीय मोदी जी भी गए थे, आधे घंटे बैठे भी थे, किताब से वो स्टडी भी कर रहे हैं, और वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान भी गए थे। तो इन सब बातों की प्रेरणा लेते हुए जो हमारे वाक्य में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बोले आप बीजेपी पार्टी ज्वाइन करिए और आपको मैं दर्जा दूंगा और आपको काम करने का मौका देंगे, और आप का मैंने LIU जांच जितनी जो जांचें होती सारी करवाए हैं, और हमने और जनपदों से किन्नर समाज का बायोडाटा आया हुआ था, विभिन्न जिलों से संगठन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से विभिन्न जिलों से जो बायोडाटा आया जो सबसे सेटूबल आप ही नज़र आ रही हैं, और आपको ये जिम्मेदारी हम दे रहे हैं। आप बहुत ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, और मुझे विश्वास है आप इस समाज को मुख्यधारा में जोड़ने का काम करेंगी आप। और तो मैंने मुझे एक उनके प्रति अभिलाषा और उनके से उत्साहित उनके जो बात से मैं प्रभावित हुई, मैंने BJP ज्वाइन कर ली। उसके बाद उन्होंने मुझे 15 दिन के बाद गनर गाड़ी ऑफिस सरकारी आवास जितनी प्रोटोकॉल होती है उन्होंने सारी व्यवस्था कर। अच्छा, पद मिलने से 15 दिन पहले आप भारतीय जनता पार्टी में आई थी जी। जैसे अगर हम बात करें जो कुछ आज बरेली में हुआ है, जिस अंदाज में आपने आज धरना दिया है, वो हो सकता है कि वो मांग आपकी सही हो, लेकिन चूंकि आप पद पर हैं और ऐसे पद पर हैं कि जो सरकार की तरफ से दिया गया है उसका प्रोटोकॉल होता है, तो ये जो धरना था क्या आपको लगा कि जो आपका जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन है, या आपको ये बात बड़ी लगी कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है? देखिए, अन्याय हमारे उसमें एक किन्नर समाज भी है, हिना जी, उनका भी मकान है, और स्वयं महाराज जी ने बोले इस समाज की रक्षा के लिए, समाज के कानूनी पहलू की मुद्दा उठाने के लिए बोर्ड का गठन हुआ। मेरी किसी प्रणाली से मैं गलत नहीं हूँ, तो वो किन्नर समाज के भी मकान जा रहा है, अधिग्रहण कर लिए हैं BC बरेली, और वहाँ पे गरीब दबे कुचले मजदूर किसान जो रोज दिहाड़ी पे कमाते हैं, अपने जो है रोजगार करके किस तरह से यापन करते हैं, किसी तरह से अपने बच्चों का भविष्य के लिए छत बनाने का काम किए, अपने पेट को काट के, अपने शौक मौज को काट के उन्होंने एक आवास बनाए। उस आवास को, सिर्फ 56 आवास को BC साहब ने अधिग्रहण करके, और उस पर कुछ मॉल, कुछ बड़े लोगों का कुछ वहाँ पे उनको बेचना चाह रहे थे, जिससे मैं खुद वहाँ मुआयना करने गए, तो बहुत आप भी जा सकते देखिएगा मेरी बात गलत नहीं, बहुत ही गरीब लोग का मकान है। तो मुझे कष्ट लगा, तो मैंने BC साहब से मिलने गई, तो BC साहब बोले जो ये तो टूटेगी और जो भी जहाँ भी जो भी होना है आप अपने कर सकती हैं। तो उसी बात को लेकर मैं जिलाधिकारी जी के कार्यालय के बाहर अपनी जनता के लिए मांग मनाने के लिए मैं बैठी। नहीं, जो आपको पद दिया गया है, जो आपके पास दर्जा राज्य मंत्री का पद है, तो उस पद से आपको नहीं लगा कि आप उसका इस्तेमाल करके जो आपको अधिकार दिए गए हैं उससे ये जो अतिक्रमण अभियान चला रहे हैं वहाँ या घर तोड़ रहे हैं उसको रुकवा सकती थी? देखिए, करना तो यहाँ के जिलाधिकारी को VC को ही है, और हाँ मैं वहाँ भी बात रखूँगी, और मुझे शासन ने जिम्मेदारी दी है और मैंने घोषणा भी कर दी, मैं अपना त्याग पत्र भी दे दूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं स्वतंत्र होकर काम करूँगी, परंतु अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगी जब तक मेरी इच्छाएं हैं, क्योंकि मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की सिद्धांतों पर और हमारे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के सिद्धांतों पे मैंने BJP पार्टी ज्वाइन की हूँ। हमारे सरदेय प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों को अपना आदर्श मानते हुए मैंने BJP ज्वाइन की, तो BJP पार्टी की मैं लीडर हूँ, BJP पार्टी की मैं सदस्य हूँ, BJP पार्टी की मैं स्टार प्रचारक भी रही हूँ उत्तर प्रदेश में। पार्टी ने मुझे रथ यात्रा दी थी, 25 जिलों के लिए मैंने प्रचार भी की हूँ, मैंने रात दिन संघर्ष करके, तो कोई बात नहीं, जनता के लिए पद नहीं बड़ी बात है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कई बार प्रधानमंत्री के किसान के लिए अपना त्याग पत्र दे दिए थे, तो हमारे देश के जब प्राइम मिनिस्टर जैसे एक देश में रहे हैं, हमारे भारत देश में गंगा जमनी तहजीब है, इस देश में कई लोग
हमारे इस भारत भूमि के लिए, इस भारत माँ के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपनी जीवन वीर अब्दुल हमीद साहब जैसे लोगों ने संघर्ष किए हैं इस मातृभूमि के लिए। तो हम जो हैं, मैं तो छोटी सी एक सरकार की अंग हूँ, यदि मैं इस्तीफा दूंगी तो अब इस्तीफा स्वीकार करना ना करना ये तो चीफ मिनिस्टर राज महामहिम जी के ऊपर है। जो कुछ आज बरेली में हुआ इस तरह का, ये पहला आपके साथ मामला पेश आया है या कहीं और भी आपको लगा कि सरकार कहीं पे गलत कर रही है या सरकारी अमला गलत कर रहा है तो वहाँ आप खड़ी हुई? नहीं नहीं, कई जिलों में, हमारे बहुत जिलों में हमारे जिलाधिकारी जी बहुत सम्मान कर रहे हैं पूरा प्रोटोकॉल के साथ। हमारे सर्वेष्ठ अधिकारी जो हैं हमारे लखनऊ के जितने भी हैं, हमारे बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जितने भी कैबिनेट हैं सारे मेरी सम्मान करते हैं, पूरा बीजेपी के हमारे एक एक कार्यकर्ता भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत कहीं नौबत नहीं आई है? नहीं, कहीं नौबत नहीं आई। यहाँ डीएम और एसएसपी ने अभी जो आपकी मुलाकात कराई है उनसे, वीसीबीडीए से, तो उनसे मिलने के बाद आप संतुष्ट नहीं हुई? यह जो आपकी नाराज़गी थी वो आपने उनके सामने रखी होगी, तो वो अपने कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है या आप कुछ इससे ज़्यादा चाहते हैं? देखिए, उनका साफ कहना है मकान टूटेंगे 56 मकान। हाँ, एक घंटे की बातचीत में भी कोई समाधान नहीं निकला? कोई समाधान नहीं निकला, अपनी बात पे अड़े रहे। डीएम या एसएसपी की तरफ से कोई इस तरह का उन्हें समझाने की कोशिश हुई? बहुत हुई है, लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें फ़ोन किए, उनके कहने पे मैं सर्किट हाउस आई और उनके कहने पे मैं सर्किट हाउस आई। जितना हो सका मैंने अपना पुरजोर, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, मैंने जनता के लिए, गरीब किसान के लिए, गरीब लोगों के लिए, दलित वंचितों के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई हूँ। क्योंकि मेरे पास जो पेन है उसमें स्याही इतनी नहीं है जितनी मैं अच्छे से चला सकती हूँ। स्याही का एक मात्रा है, वो पूरी स्याही में चलाने की पुरजोर कोशिश की हूँ और जीवन भर करती रहूँगी। आगे भविष्य में राजनीतिक में कभी मैं उस योग सफल होती हूँ तो मैं जनता की, आवाम की खिदमत करूँगी, लोगों का मैं बहुत काम करूँगी। क्योंकि हम, मैं जीवन में, मैंने सिद्धांत में, क्योंकि हमारे न बेटा है न बेटी है न परिवार है, आपके आशीर्वाद से लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पे मेरी मकान है राजधानी में, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रहते हैं, जहाँ विपक्ष के नेता, विरोधी दल के नेता का मकान है, जहाँ माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी रहते हैं, प्रमुख सचिव रहते हैं। तो ऐसे पोस इलाका मेरी खुद की कोठी है, अपनी मकान है और मेरा सुल्तानपुर में मेरी गद्दी है। हमारी गद्दी से जो हमारी नेकचार की परंपरा है बधाई लेने की, शादी ब्याह बच्चे होते जो मंगल कार्य में मैं जाती हूँ, उससे मेरा जीवन यापन चलता है। गवर्नमेंट का स्कीम तो अब आया है बहुत सारी चीज़ का, लेकिन जिस तरह से आप पद छोड़ रही हैं, पद पर रहते हुए आप वीसी को नहीं मना सकें, वो ये नहीं कह सके कि नहीं हम अपनी कार्रवाई बंद कर देंगे, तो पद छोड़ने के बाद क्या आप उनको जो पीड़ित हैं या जिन्हें आप कह रही हैं कि जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उन्हें इंसाफ दिला पाएंगी? मैं अभी क्या बोलूँ, जितनी मेरे पेन में स्याही थी मैं पूरी ताकत लगाई हूँ और लगाऊंगी, लगाने की कोशिश करूंगी। परंतु वो जो है बीसी जो सरकार के अंग है, आईएएस है, सरकार के अंग में भी हूँ इस समय तक, तो अभी पद पे हूँ अभी तक। तो जितने भी मेरी कोशिश रही मैं जनता के लिए खड़ी रही हूँ, खड़ी रहूँगी। और पूरे प्रदेश में भी मुझे जाना है, पूरे प्रदेश की जनताओं की दुख दर्द, जहाँ जनता मुझे बुलाएगी पूरे प्रदेश में आपके चैनल के माध्यम से बोलने, जहाँ मेरी शरीर का एक एक कतरा भी मेरे इस समाज के लिए समर्पण है। क्योंकि मरने के बाद एक नाम ही अमर होता है इस दुनिया में, ना कोई कुछ लाया है ना कोई कुछ ले जाएगा। एक सेवा ही मानव जीवन के ही लिए, मदर टेरेसा जैसे लोगों ने विश्व में नाम कमा के गई हैं, तो हम भी कमा सकते हैं। हम भी समाज के अंग बन के लोगों के बीच में काम करके समाज के बीच में अपना एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। जो एक किन्नर हो के भी, जिसका कोई परिवार नहीं है, न बेटा न बेटी न कोई मतलब नहीं, फिर भी हम समाज के लिए मर रहे हैं, हमसे प्रेरणा लेना चाहिए लोगों को। आपको इस बात की भी परवाह नहीं है कि जिस तरह से बाबा का बुलडोज़र मशहूर हुआ अतिक्रमण को लेकर, उसी तरह से अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में जो वीसीबीडीए हैं उन्होंने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, यहाँ
एक विधायक का भी उन्होंने पेट्रोल पंप तोड़ा था, उससे पहले अभी यहाँ से भोजीपुराई से चुनाव लड़े थे, उनका मैरिज हॉल ढा दिया था। तो एक बना हुआ, एक नैरेटिव बना हुआ है यहाँ के जो अतिक्रमण है उसको लेकर प्रशासन उसी अंदाज में कार्रवाई कर रहा है जैसे बाबा का बुलडोजर मशहूर हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर का मैं समर्थन करती हूँ, बुलडोजर चलना चाहिए, परंतु उन असहाय व्यक्तियों पर माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं बोले हैं। उनका स्वयं का बयान है, जो किसी भी गरीब का, किसी भी मजदूर का, किसी भी मजलूम के साथ अन्याय नहीं होगा, उनका मकान, उनका आवास को नहीं तोड़ेंगे। यदि कोई सामंतवादी है, कोई धन्ना सेठ है, कोई अतिक्रमण जायदे किए हुए हैं, कोई इस तरीके के एक पावरफुल होने के बाद और शासन को चैलेंज कर रहे हैं, तो निश्चित ही उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, इसका मैं समर्थन कर रही हूँ। और जो एक रिक्शा चला रहे, जो एक ठेले चला रहे हैं, जो एक शासन को वोट किए हैं, भारतीय जनता पार्टी को झरझर के लोगों ने वोट दिए, हिंदू मुसलमान सब रह रहे हैं उसमें, सभी ने बीजेपी को वोट दिए, वो क्या हैं? उन्होंने अतिक्रमण तो कोई की नहीं, तो आवास बनाए हैं, न तो उन्होंने कोई पेट्रोल पंप बनाए, न उन्होंने कोई मैरिज हॉल बनाए, न कोई उन्होंने मॉल बनाए, वो तो एक अपने बच्चे को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए एक छत बनाए हैं। उनका तो एक मानव जीवन का एक जीवन यापन करने के लिए उन्होंने अपना एक मकान आशियाना बनाए हैं, तो उसको तो माननीय मुख्यमंत्री जी तोड़ने के लिए थोड़ी बीसी साहब को बोल दिए जो जाओ चिन्हित कर लो और पूरा कोटा पूरा करो और तुम इसको भी कर दो। अच्छा, मुख्यमंत्री का भी एक बयान भी आया था कि उन्होंने कहा था कि जो गरीब लोग हैं, जैसे लोग हैं कि जो बीच में कुछ खबरें ऐसी आई थी कि जिसमें लगा था कि गरीबों के घर तोड़ दिए गए या उनके जो दुकानें थी वो तोड़ दी गई, तो उन्होंने कहा था कि कार्रवाई करने से पहले ये सब चीज़ें देख ली जाएँ। तो क्या आप उनसे मिलकर इस तरह जो बरेली में जो कुछ हो रहा है वो बात उनके सामने रखेंगी? बिल्कुल मैं रखूँगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे, मुझे विश्वास है उनके प्रति। लेकिन आप ये ठाने बैठी हैं कि जिस तरह से आप स्याही का मतलब हम ये निकालें कि जैसे जिस्म के खून का एक कतरा आप गरीबों के लिए लगा देंगे। संघर्ष एक अलग प्रक्रिया है, मौलिक अधिकार एक अलग प्रक्रिया है। जो मेरी लड़ाई है वह संवैधानिक मौलिक अधिकार की लड़ाई है, किसी का मौलिक अधिकार से वंचित न किया जाए, समाज को, गरीब को, दलित को, समाज से वंचित लोगों को, मेरी ये लड़ाई मौलिक अधिकार, तो उस मौलिक अधिकार का मैं निर्वर्त कर रही हूँ। और मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर कुछ न कुछ एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे तो भैया वो तो राज के मुखिया हैं, मैं तो छोटी सी एक हूँ, मैं तो उनको लिए दुआई करती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा स्वस्थ रहें, गुलाब के फूल के जैसे हमेशा मुस्कुराते रहें और खूब देश के सर्वोच्च पद पे जाएं, मेरी तो यही हार्दिक इच्छाएं हैं। सर्वोच्च पद क्या हो सकता है? और सर्वोच्च पद देश के प्रधानमंत्री पद होता है, प्रधानमंत्री बने, मैं चाहती हूँ हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बने। तो अब क्या इरादा है, आप बरेली से वापस जा रही हैं या यहीं रुकेंगी? दो दिवस से हो गया है, प्रोटोकॉल के अनुसार हमने टाइम लेके आए थे और मैं कुछ और भी काम है, कल फिर रात कल मानी जी से भी समय लूँगी जाके मिलने का, और भी कुछ कामें हैं तो उसको भी मैं निपटाऊँगी, आगे की रूपरेखा क्या होगी उसको भी देखूँगी, और भी कई जनपदों में किन्नरों की समस्या है उनके बीच में भी जाऊँगी। पद से मैं इस्तीफा दूंगी, स्वीकार करना माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में। अच्छा, अब कोई बात नहीं होगी, बस सिर्फ आप इस्तीफा जाके सौंप देंगे या पहले ये बात की जाएगी कि जो वीसी यहाँ कर रहे हैं कि उसको रोका जाए, ये डिमांड होगी या सिर्फ ये कि आप इस्तीफा अपना दे के आ जाएं? पहले मैं यहाँ की जो जनता की समस्या है उनको माननीय जी को अवगत कराऊंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद मैं अपना त्याग पत्र दूंगी। बरेली अगर आने की जरूरत पड़ी तो फिर आएंगी? आप बुलाएंगे चाय पे मैं जरूर आऊँगी, आपका चाय पीने आ जाऊँगी। नहीं, जैसे ये जो पीड़ित हैं जो आपसे मिले हैं, इनके साथ अगर किसी तरह की कोई और दुश्वारी आती है, जैसे अभी तोड़े नहीं गए हैं वो तोड़ने की कार्रवाई आगे होगी,
तो तब अगर वो बुलाते हैं तो आप आएंगी? तो वो तो सांप कह दिए ना, तभी तो मेरी जो तोड़ना ही है, सांप कह दिए तोड़ना है, आएंगी तोड़ना ही है तो बुलाएंगे तुम्हें, जनता बुलाएंगे तो मैं आऊंगी। यहाँ के MLA सांसद जो है उनको भी ध्यान देना चाहिए, जिनके वोट के ऊपर विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनसे भी निवेदन है कम से कम गरीब की जनता को तो उठाइए, गरीब के लिए तो उठाइए आवाज़। आपने अभी सोनम चिश्ती को सुना, वो दो दिन से बरेली के दौरे पर हैं और इस दौरे पर वो अपना जो पद है उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं उसे दांव पर लगा कर जा रही हैं। कल क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके तेवर साफ बता रहे हैं कि वो अपने कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से VCBD अड़े हुए हैं कि वो कार्रवाई करेंगे, उसी अंदाज में सोनम चिश्ती ने कह दिया है कि वो भी अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो इससे आगे जाएंगी, चाहे पद ही क्यों कुर्बान ना करना पड़े, बस उससे पहले वो एक बार मुख्यमंत्री से मुलाकात ज़रूर करेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद।